हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। यदि आपके घर में संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, कोई कर्जा बढ़ रहा है, या आपने किसी को पैसे दिए हैं तो वो पैसे नहीं मिल रहे, नौकरी में कोई दिक्कत है, तो आपको बैसाख के महीने में एक उपाय करना है। उपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस उपाय को आप बैसाख के महीने में किसी भी दिन कर लीजिए, किसी भी तिथि में करिए, किसी भी समय कीजिए। कोई तिथि निश्चित नहीं है कि आपको इस दिन ये उपाय करना है, बस बैसाख के महीने में आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। ध्यान रखिए, आपको 108 चावल के साबुत दाने लेने हैं, चावल बिल्कुल भी खंडित ना हो। उसे आपको एक सफ़ेद कपड़े में रख लेने हैं 108 चावल के दानों को, और उसमें रखने एक सफ़ेद रंग का फूल रख लेना है उसी कपड़े में। अगर फूल ना मिले तो आप पत्ती रख लीजिए। अगर कुछ भी ना मिले आपको तो आप एक्स्ट्रा एक चावल का दाना और रख लीजिए। जो 108 आपने चावल के दाने रखे हैं उसके अलावा अगर फूल ना मिले तो आप एक चावल का दाना एक्स्ट्रा और रख लीजिए, अगर फूल ना मिले तो। उसके बाद आपको उस पोटली को बांध लेना है और किसी पात्र में कर कोई छोटी कटोरी हो या किसी में कर जहाँ आप किचन में अपना बर्तन पानी पीने का जो भर कर रखते हैं उस जगह वो कटोरी जो पोटली बंधी हुई है वो आपको रख लेनी है। उस पोटली को आपको उस पीने के पानी की जगह 3 दिन तक लगातार रखे रहने देना है। ध्यान रखिए, 3 दिन तक लगातार आपको उस पोटली को रखे रहने देना है। उसके बाद आपको चौथे दिन उस पोटली को जो आपने सफ़ेद कपड़े में 108 चावल के दाने एक फूल रखा है उसे उस उठाना है और कुछ दक्षिणा जो भी आपकी श्रद्धा हो दान के हिसाब से, आपको जितना हिसाब हो उस हिसाब से दक्षिणा लेकर आपको जाना है मंदिर, और एक घी का दिया और लेकर जाना है, घी का दिया तैयार कर कर ले जाना है। वहाँ जाकर आपको वो पोटली रखनी है शिव जी के पास और वो जो घी का दिया है वो प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित कर से तुम्हें आपकी जो भी मनोकामना है, आप अगर किसी से पैसा आपसे लिया है दिया है उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपके यहाँ संपदा की कमी बहुत है उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये जो उपाय है वो धन संपदा की कमी नहीं होने देगा, ये लक्ष्मी के आगमन के लिए उपाय है कि इस उपाय को करके आपके घर में धन का आगमन होगा। तो आपकी जो भी मनोकामना है धन से संबंधित उसके लिए आपको वहीं बैठकर प्रार्थना करनी है। उसके बाद वो दक्षिणा आप चाहें तो वहीं पंडित हों वहाँ उन्हें दे दीजिए, कोई ऐसा लगे जो जिसे ज़रूरत हो उसे आपको वो दक्षिणा दे देनी है। और वो पोटली, गुरुजी कहते हैं कि वो जो पोटली है वो भी अगर आप किसी को दे दीजिए उसके साथ ही दक्षिणा के साथ ही, और अगर ना हिसाब बने तो फिर आप ऐसा कीजिए कि किसी वृक्ष के नीचे उसे, पीपल के वृक्ष या किसी वृक्ष के नीचे आपको उसे दबा देनी है। बस ये ध्यान रखना है जब आप वो दीपक जलाएंगे तो दीपक जलाते समय आपकी जिस भी मनोकामना से आपने उपाय किया है वो आपको जरूर बोलनी है, प्रार्थना करनी है भगवान से। ये उपाय आप बैसाख महीने में कीजिए, किसी भी तिथि किसी भी दिन कर लीजिए। बस 3 दिन वो आपको कपड़ा जो है सफ़ेद कपड़े में जो आपने बांधा वो आपको वहाँ पानी के बर्तन के पास रखना है, चौथे दिन आपको ये उपाय करना है। इसके बाद आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।